उसका डाइजेशन। तो आज उसके कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन की फर्स्ट जो स्टेज है, यानी ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करना, पाइरुवेट में, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइज, उसी के ऊपर आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो क्या था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यानी जनरल जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर पहली लाइन क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन माउथ व्हेन द फूड इज चेविंग द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड पिटाइलिन। यानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो सबसे पहले कौन सी जगह शुरू होता है, माउथ के अंदर। माउथ के अंदर जब अपन फूड को चबाते हैं या चेविंग करते हैं तो सलाइवा कंटेंट उसमें क्या है, मिक्स हो जाती है, और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है, पिटाइलिन। पिटाइलिन किस तरीके से वर्क करता है, पिटाइलिन एक्ट ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रिन। पिटाइलिन क्या है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, यानी जो पॉलीसेकेराइड है स्टार्च कंटेंट उसको डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी माल्टोज और डेक्सट्रिन में उसको क्या है, कन्वर्ट कर देता है। As soon as food reaches the stomach, it mixes with acidic gastric juice and pitylene activity is inhibited. यानी जल्दी ही क्या है, फूड किसके अंदर पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर, जहां पे क्या है वो मिक्स होता है किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, वो क्या है, पिटाइलिन की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, बंद हो जाती है। द कंस्टिट्यूट ऑफ फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस एंड कन्वर्ट इन टू सेमी सोलिड फॉर्म नोन एज काइल व्हेन फूड इज पास थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो फूड है उसके कंस्टिट्यूट है वो किसके साथ मिक्स हुए, गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, काइम। और फिर क्या है, फूड किसमें, पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, यानी छोटी आंत के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले माउथ में, फिर स्टमक में, फिर किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस आर प्रेजेंट। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इन विच थ्री एंजाइम इज प्रेजेंट, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, तीन प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, एक तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट, एज द फूड कम्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री एंजाइम एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड कंप्लीट द डाइजेशन बाय कन्वर्टिंग डाइसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड। यानी वो तीनों जो एंजाइम है वो क्या है, डाइसेकेराइड जो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की उसके ऊपर एक्ट करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे और उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मोनोसेकेराइड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे। अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। यानी क्या है, उसका जो अल्टीमेट यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा फॉर्म होता है, फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज डाइजेशन से, जो कि क्या है, तीनों के तीनों मोनोसैकेराइड है। नीचे क्या है, रिएक्शन है जिसमें सुक्रोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज में, माल्टोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और लैक्टोज गैलेक्टोज में। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी उसको अब्जॉर्ब कहां से किया जाता है, फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर डायरेक्टली अब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम हेयर इट डिलीवर टू द ब्लड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है वो डायरेक्टली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, यानी ले लिए जाते हैं, और फ्रॉम हेयर यहां से इट डिलीवर टू द ब्लड, और ये किसमें डिलीवर कर दिए जाते हैं, यहां से अब्जॉर्ब करके ब्लड में, और किसके द्वारा, बाय पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। नेक्स्ट, दे रीच टू लीवर एंड स्टोर इन लीवर एंड मे बी यूज व्हेन नीडेड। यानी फिर क्या है, वो किसमें पहुंच जाते हैं, लीवर के अंदर, और क्या है, लीवर के अंदर जो फूड के कंपोनेंट है जैसे ग्लूकोज वगैरह है वो सारे स्टोर हो जाते हैं,
और जब इनकी क्या है ह्यूमन बॉडी को आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब इनको क्या है काम में ले लिया जाता है। नेक्स्ट, सम ग्लूकोज मे रिमेन इन सर्कुलेटरी ब्लड टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा क्या है ग्लूकोज की किसमें प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर, जो क्या है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या है नॉर्मली मेंटेन करती है। नेक्स्ट है इंसुलिन इज हार्मोन फॉर दिस चेंजेस, और जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोरेज होता है उस चीज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चेंजेस के लिए। नेक्स्ट कैटाबोलिज्म, दोज बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल आर कलेक्टिवली नॉन एज कैटाबोलिज्म, यानी दिस दोज केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन जो क्या है तोड़ देती है किसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, यानी बड़े कार्बनिक मॉलिक्यूल को तोड़ती किसमें इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल यानी छोटे कार्बनिक मॉलिक्यूल में, आर कलेक्टिवली नॉन एज कैटाबोलिज्म, और इसी पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं कैटाबोलिज्म बोलते हैं, यानी किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का जो प्रोसीजर है वही क्या है कैटाबोलिज्म है। नेक्स्ट है एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मीन्स किसी चीज का टूटना, एनाबोलिज्म मीन्स बनना, केमिकल रिएक्शन दैट कंबाइंड सिंपल मॉलिक्यूल टू फॉर्म द लास्ट मॉलिक्यूल आर कलेक्टिवली नोन एज एनाबोलिज्म, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या है लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं एनाबोलिज्म, यानी छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बना लेते हैं बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं, और ये कंपाउंड बनने की जो मॉलिक्यूल बनने का जो प्रोसीजर उसी को क्या बोलते हैं एनाबोलिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है जैसे ग्लूकोज की सब यूनिट्स अटैच होके क्या बना देती है ग्लाइकोजन बना देती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी किस चीज का ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, और टू प्रोड्यूस एटीपी यानी किस चीज को फॉर्म करने के लिए एटीपी यानी एनर्जी की यूनिट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो क्या है एनर्जी को फॉर्म करने के लिए क्या है करते हैं कार्बोहाइड्रेट का कैटाबोलिज्म, और इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसीजर को ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन यानी सेल्स के द्वारा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन बॉडी गिविंग एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है टूटता है ब्रेक डाउन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या है एक तो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। नेक्स्ट, कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज अकर इन सीरीज ऑफ स्टेप विथ ए लिटिल एनर्जी बीइंग रिलीज एट ईच स्टेप, यानी क्या है ग्लूकोज का जो कैटाबोलिज्म है वो क्या है प्रत्येक छोटा छोटा जो स्टेप है वो क्या है थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है प्रत्येक स्टेप के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल विच मे बी जनरेटेड फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 38 एटीपी, यानी एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जिसका ब्रेकडाउन करोगे कितने एटीपी फॉर्म होगी आपके पास 38 एटीपी। इन ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी ह्यूमन बॉडी में अपन ग्लूकोज कौन सी चीजों से ले सकते हैं, तो एक द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे पहले फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है फिर उसको डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड को किसको इसमें मोनोसेकेराइड में। दूसरा फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यानी जो ग्लूकोज आपके लीवर के अंदर ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है उसकी जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है वापस ग्लूकोज में। और तीसरा क्या है फ्रॉम ग्लूकोनियो जिनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या है ग्लूकोज को जनरेट करना जैसे लैक्टेट पाइरूवेट से। आज का लेक्चर जो किसके ऊपर आपका
ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? दिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड एम्डन मेयरहोफ पाथवे, यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एम्डन मेयरहोफ पाथवे। यानी एम्डन मेयरहोफ जो साइंटिस्ट था उसने क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी, उसी के नाम से क्या है इसको बुला सकते हैं अपन। नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज मेटाबोलिज्म, यानी ग्लूकोज के मेटाबोलिज्म की ये क्या है, सबसे पहली स्टेज है, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का सबसे पहला चरण है ये। इट टेक प्लेस इन ऑल बॉडी सेल, और ये क्या है, ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर है, यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सभी सेल्स के अंदर चलती है। इट इज द पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ग्लूकोज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यानी यह एक ऐसा पाथवे है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, यानी ग्लूकोज को मॉलिक्यूल्स को तोड़ के क्या जनरेट करता है, एनर्जी प्राप्त करते हैं, और क्या कहलाता है ये, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से उसका ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है, लेने का जो प्रोसीजर है, वही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस हैपन इन साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, यानी ग्लाइकोलाइसिस कौन सी जगह चलता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। शुरू से देखिए, द पाथवे इज कॉल्ड आल्सो एम्बडन हे मेयरहोफ पाथवे, यानी इस पाथवे का नाम क्या है, एम्बडन मेयरहोफ पाथवे। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज कैटाबोलिज्म, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का ये पहला चरण है। इट टेक प्लेस इन ऑल बॉडी सेल, और ये क्या है, ह्यूमन बॉडी की सभी सेल्स के अंदर चलता रहता है, सभी सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट, इट इज द पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज से क्या है, एनर्जी प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है, यानी उससे एनर्जी गेट यानी लेने का जो प्रोसीजर है, या ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का जो प्रोसीजर है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हैपन इन साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, और ग्लाइकोलाइसिस कौन सी जगह होता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस दैट इन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट में, यानी पाइरूविक एसिड के अंदर। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एटीपी व्हिच मे बी जनरेट इन ग्लाइकोलाइसिस इज 10 एटीपी, बट 2 एटीपी आर यूज्ड सो दैट 8 एटीपी आर फॉर्मड इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल एटीपी कितनी जनरेट होती है, 10 एटीपी या 10 एटीपी, यानी 10 एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या है, अपन एक ग्लाइकोलाइसिस से या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से बना लेते हैं, जिसके अंदर से बट 2 एटीपी आर यूज, और क्या है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज हो जाते हैं, यानी काम में ले लिए जाते हैं। सो दैट, इसीलिए 8 एटीपी आर फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी जनरेट होती है, बनती है 8 एटीपी। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस के क्या है, दो प्रकार होते हैं, एक तो एरोबिक, यानी ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कितने एटीपी फॉर्म करता है, 8 एटीपी एरोबिक। दूसरा है एनएरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लाइकोलाइसिस चलता है वो क्या है, एनएरोबिक, फॉर्म 2 एटीपी, और कितने एटीपी बनाता है वो, 2 एटीपी। तो शुरू से देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस दैट इन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू पाइरूवेट, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट में या पाइरूविक एसिड में। टोटल नंबर ऑफ एटीपी व्हिच मे बी जनरेट इन ग्लाइकोलाइसिस इज 10, यानी कुल एटीपी कितनी जनरेट होती है ग्लाइकोलाइसिस में, 10 एटीपी, बट 2 एटीपी आर यूज, और जिसमें से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल क्या है, काम में ले लिए जाते हैं। सो दैट, इसीलिए 8 एटीपी आर फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस, और इसीलिए क्या है, 8 एटीपी के मॉलिक्यूल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्म होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस के कितने प्रकार के, एक तो एरोबिक, यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कितने एटीपी जनरेट करता है, 8 एटीपी। दूसरा है एनएरोबिक, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो एटीपी दो एटीपी जनरेट करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लूकोज है वो पाइरूवेट के अंदर कौन से पाथवे से कन्वर्ट होता है, कौन सी उसमें स्टेजेस आती है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो स्टेज है यानी इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले आपको ओनली ग्लाइकोलाइसिस देखनी है यहाँ पे। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर, यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर अटैच हो गया, तो इसीलिए क्या बोल दिया इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। आपको पता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में छह कार्बन के एटम्स क्या है प्रेजेंट होते हैं टोटल, तो छठे कार्बन पे क्या अटैच होगी फॉस्फेट, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। इसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आया, हेक्सोकाइनेज, जो क्या है हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। नेक्स्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हुआ सेकंड स्टेप में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज का जो आइसोमेराइजेशन हो गया यानी ग्लूकोज के सिमिलर जो शुगर है उसको क्या यहाँ पे काम में ले लिया, यानी ग्लूकोज का जो आइसोमर है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो एंजाइम क्या काम में है यहाँ पे, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, यानी आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में, 1,6-बिस्फॉस्फेट में। एंजाइम क्या काम में आता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फ्रक्टोज के अंदर पहले और छठे कार्बन के ऊपर क्या अटैच हो गया फॉस्फेट अटैच हो गया। फिर क्या है फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल के अंदर, यानी यहाँ पे क्या है एक एल्डोलेज एंजाइम आता है जो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट का क्या है ब्रेक डाउन कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है दो मॉलिक्यूल में। तो पहला मॉलिक्यूल क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट होता है, यानी तीसरे कार्बन के ऊपर क्या है यहाँ पे फॉस्फेट होता है, एंजाइम कौन सा है एल्डोलेज। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है यहाँ पे तो एसीटोन दिखाया गया, या फिर डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या ग्लिसरेल्डिहाइड भी, यानी ये दोनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम में आता है कि फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल जनरेट कर लेता है किसके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट के या फिर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। और ये दोनों क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या है आइसोमर्स है, यानी एक दूसरे के सिमिलर है, इसलिए क्या है यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दिखाया गया। फिर क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है ट्राइओस्फॉस्फेट आइसोमरेज, ये तो ऊपर फिर क्या है कि ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है फिर क्या है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर क्या है ये दोनों आइसोमर्स हो गए दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, जिससे मॉलिक्यूल कितने बन गए ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल बन गए। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के भी दो मॉलिक्यूल थे, लेकिन अपन क्या है एक बार यहाँ से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। फिर क्या है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,2-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया 1,2-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर क्या है 1,2-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया यहाँ पे रिमूव हो गया। और एंजाइम कौन सा काम में आया फॉस्फोकाइनेज या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम में आया, जिसने एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया और क्या फॉर्म कर दिया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ
टू फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी जो कार्बन के वो तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट थी वो कौन से कार्बन पे आ गई, दूसरे कार्बन पे। एंजाइम कौन सा काम में आता है, यहाँ पे म्यूटेज। और आपको पता है म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन किसी चीज का। और फिर टू फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, इनोलेज। और फिर फॉस्फो इनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट में। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम में आता है। ठीक है, तो आपने क्या है, एक मोलिक्यूल से ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के एक मोलिक्यूल से कितने पाइरुवेट बनाया, एक पाइरुवेट। तो आपके पास मॉलिक्यूल कितने हैं ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट के, टोटल दो मॉलिक्यूल हैं। दो से कितने पाइरुवेट बनेंगे, दो पाइरुवेट बनेंगे, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल दो पाइरुवेट बनते हैं सेल के अंदर। तो शुरू से एक बार दोबारा देखिए, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। एंजाइम काम में आता है हेक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। एंजाइम काम में आता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, यानी आइसोमेरिजेशन। फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉस्फेट में, जिसके लिए एंजाइम काम में आता है फॉस्फो फ्रक्टोज काइनेज। और फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट गैस एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। दो मॉलिक्यूल किसके जनरेट होते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के। जो फिर क्या है, दोनों मॉलिक्यूल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के क्या हो जाते हैं, आइसोमर्ग हो जाते हैं। किसमें, ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट में। फिर क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होते हैं, वन टू बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। और वन टू बिस फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ भी थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल। एंजाइम कौन सा काम में आया, काइनेज एंजाइम काम में। और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकल गया। थ्री फॉस्फोग्लिसरेट फिर किस में कन्वर्ट होता है, टू फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम काम में आता है म्यूटेज, यानी म्यूटेशन हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप का। फिर टू फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में। और यहां तक फॉस्फो इनोल पाइरुवेट के भी कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। और फिर इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टू फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में। और फॉस्फो इनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट के अंदर। एंजाइम काम में आता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरुवेट के। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है, ये रिएक्शन, ये जो प्रोसीजर है, स्टेप है, वो क्या है, रिवर्सिबल चलती है, नहीं उल्टी चलती है। नेक्स्ट क्या है, पहले तो क्या है, पहले के चार्ट में क्या है, स्टेप्स में आपको एनर्जी के मॉलिक्यूल नहीं बताए गए थे कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन से स्टेप में कितनी एनर्जी जनरेट होती है, काम में ली जाती है। तो सबसे पहले देखिए ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल क्या है, काम में आ जाता है, यानी एक फॉस्फेट क्या है, रिमूव हो जाती है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट के अंदर। ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी वापस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या है, ओएटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है, काम में लिया जा रहा है। फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, यानी आइसोमरेज से, आइसोमेरिजेशन से ग्लूकोज किस में, आइसोमर्ज हो गया फ्रक्टोज में। फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज वन सिक्स बिस्फॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हुआ है पहले कार्बन पे, तो क्या है कि एक एटीपी किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दो एटीपी टोटल क्या है, यूज होती है, एक तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, एक सेकेंड यानी थर्ड स्टेप के अंदर। फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, वन सिक्स फॉस्फेट क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन थ्री फॉस्फेट। फिर ग्लिसरेल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, वन थ्री बिस फॉस्फो ग्लिसरेल्ड में। एंजाइम क्या काम में आता है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या है, रिमूव होते हैं। तो एनएटीपी प्लस एनएटी प्लस पी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनएटीपीएच में, यानी दो मॉलिक्यूल किसके जनरेट होते हैं, यहाँ पे
एटीपी के जनरेट होते हैं, फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यानी दो मॉलिक्यूल किसके जनरेट हो रहे हैं, टोटल दो मॉलिक्यूल एटीपी, एडीपी किसमें कन्वर्ट हो रही है, एटीपी में। एक तो यहाँ पे आपने एनएडीपीएस बना लिया, एक बना लिया एटीपी। नेक्स्ट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, म्यूटेट। यहाँ पे कोई एटीपी यानी कोई फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला। 2-फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, इनोलेट। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट में, जहां पे क्या एक फॉस्फेट रिमूव होता है तो एक एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। यानी एक डाइग्लिसरेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, उससे कितने एटीपी जनरेट हो गए, एक तो एनएडीपीएस यानी 3 मॉलिक्यूल एटीपी के, फिर 2 एटीपी यानी टोटल कितने एटीपी जनरेट हुए, 1 मॉलिक्यूल से 5, और 2 मॉलिक्यूल होंगे टोटल कितने एटीपी जनरेट हो जाएंगे, 10 एटीपी, जिसमें से 2 आपने शुरू के स्टेप में काम में ले लिए, तो कितने एटीपी बचे ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में, 8 एटीपी। फिर है एनर्जी चार्ट, जिसके अंदर देखिए रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज की गई एरोबिक स्टेट में। सबसे पहले है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। सबसे पहले स्टेप में आपने देखा था हेक्सोकाइनेज क्या है, ग्लूकोज किसको कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, जहां पे एक एटीपी क्या है, माइनस हुई थी, यूटिलाइज हुई थी। दूसरा क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, जो क्या है, फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate में कन्वर्ट होता है, वहां पे भी एक एटीपी यूटिलाइज हुई थी। दूसरा ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसके अंदर क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ था, 1,3-bisphosphoglycerate में, जहां पे क्या है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है एक साइकिल से, एक ग्लिसरेल्डिहाइड से। तो टोटल ग्लिसरेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल कितने जनरेट हुए, 2, तो टोटल एटीपी कितनी बन गई, 6। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, जिसकी प्रेजेंस में क्या है, एक एटीपी जनरेट होती है एक साइकिल में, टोटल 2 साइकिल चलती हैं, दूसरे में कितने, 2 मॉलिक्यूल। और पाइरुवेट काइनेज, काइनेज यानी लास्ट स्टेप, जिसमें क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ था, पाइरुवेट में, जिसके अंदर क्या है, एक एटीपी जनरेट होती है, और ये साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार, क्योंकि ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल थे और 2 मॉलिक्यूल ही पाइरुवेट के जनरेट होते हैं, तो टोटल एटीपी कितनी बन गई, 2। तो इसलिए क्या है, 6+2+2 यानी 10 एटीपी है, जिसमें से 2 क्या कर दी, माइनस कर दी, तो टोटल एटीपी कितनी बची आपकी, 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट, एनर्जेटिक में हर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से आप कितने एटीपी जनरेट करते हो, एनएडीपीएस से 2 एटीपी, तो टोटल एटीपी कितनी जनरेट हुई, 5 एटीपी जनरेट हुई ग्लाइकोलाइसिस से। और 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट है, तो टोटल एटीपी कितनी जनरेट हो गई, 10, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गई यानी काम में ले लिया आपने ग्लाइकोलाइसिस में, टोटल एटीपी मॉलिक्यूल इज रिमेनिंग इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी 8 एटीपी जो है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जनरेट हुई है। नेक्स्ट लेक्चर आपको किसका, किसके ऊपर होगा, एरोबिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी रिएक्शन कैसे चलती है। थैंक्स टू ऑल।